आखिरकार पवन के फैंस के आगे झुक ही गए खेसारी लाल यादव। जी हाँ, पवन के फैंस ने इतनी आलोचना की सोशल मीडिया पर कि खेसारी लाल यादव को पता था कि अगर ये गाना आया उनका खेसारी ट्रेंडिंग में, पवन पेंडिंग में, तो भाई बहुत बड़ा बवाल मचेगा। तो अब आप देख लीजिए सबसे बड़ा सबूत इस गाने का, जो कि यार ट्रेंडिंग में भतार पेंडिंग में हो चुका है। जी हाँ, ये खबर तो हमने आपको बहुत पहले, सबसे पहले हम ही ने दी कि खेसारी इस तरह का गाना लेकर आ रहे हैं और उसे लिखने वाले कोई और नहीं पवन पांडे हैं। पवन पांडे पर ही ये गाना उन्होंने गाया है, लेकिन पवन सिंह के फैंस हैं भाई, भड़क गए वो तो। उनका कहना था कि पवन पांडे तो सिर्फ कहने भर के लिए खेसारी टारगेट सिर्फ पवन सिंह को करना चाहते हैं, और अब इस गाने को बदल दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पवन सिंह के फैंस ने इतना ज़्यादा ट्रोल किया खेसारी लाल यादव को कि खेसारी लाल यादव ने भी इस गाने को बदल कर अब ये कर दिया है कि यार ट्रेंडिंग में भतार पेंडिंग में, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर ये गाना वो लेकर आते हैं जो कि जिसमें पवन का नाम यूज़ है, फिर अनगिनत उन पे अभद्र गाने बनेंगे, और वो कोई और नहीं बनाएगा, पवन के फैंस ही बनाएंगे। क्योंकि पवन सिंह का रिकॉर्ड रहा है कि वो आज तक किसी के ऊपर गाना नहीं गाए हैं, किसी का नाम लेकर कभी गाना नहीं गाए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव ने इससे पहले एक बार किया और अब ये दूसरी बार होने जा रहा था। लेकिन अब खेसारी लाल यादव को झुकना पड़ा, उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पर कि वो चीज़ बदल कर उन्होंने अब गाने का नाम रख दिया है यार ट्रेंडिंग में भतार पेंडिंग में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस न्यूज़ पे, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए।